हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो उर्दू फनी ब्रदर। आज का टॉपिक है कोरोना वायरस के ऊपर। सभी के अंदर बहुत ही क्वेश्चन है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन कब तैयार होगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किन लोगों पर हुआ ह्यूमन ट्रायल, कब तक ये वैक्सीन सब तक पहुंचेगा, क्या एक वैक्सीन कोरोना को ख़त्म कर सकता है। तो इस सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल। आज तक 1102 वॉलेंटियर्स के ऊपर हुआ ट्रायल। सभी का एज है 18 से 55 ईयर। ट्रायल हुआ ऑक्सफोर्ड, साउथहैम्पटन, लंदन एंड ब्रिस्टन के कुछ वॉलेंटियर्स के ऊपर। पहले दो वॉलेंटियर्स था ऑक्सफोर्ड कॉलेज का साइंटिस्ट एंड कैंसर रिसर्चर। फेज टू में एज का सब शायद बढ़ाएंगे एंड 5,000 वॉलेंटियर्स टेक पार्ट इन फेज थ्री। यदि ये वैक्सीन फेज थ्री को पार कर गया तो बड़ी फैना में ये वैक्सीन फेज थ्री को पार कर गया तो ये वैक्सीन बड़ी तादाद पे बनाना शुरू कर देगा। सितंबर या 2020 के अंतिम में वैक्सीन करोड़ में बन जाएगी, ये आशा है। और ट्रायल हुआ 6 मंकी के ऊपर। कुछ मंकी एंटीबॉडी तैयार कर लिए अपने ऊपर 14 दिनों के अंदर। पूरा 6 बंदर अपने अंदर एंटीबॉडी बनाने के लिए लिया पूरा 28 दिन। डॉक्टर ने कहा ये वैक्सीन लंग्स या फेफड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यदि ये वैक्सीन नहीं तैयार हुआ तो क्या होगा, तो फिर से जांच करना शुरू हो जाएगा वैक्सीन के ऊपर। इसीलिए वैक्सीन आने में और भी लेट होगा, ये सभी का मानना है, सभी वैज्ञानिक को मानना है। क्या वैक्सीन कोरोना, एक ही वैक्सीन कोरोना के रुक सकता है, ख़त्म कर सकता है कोरोना को एक ही वैक्सीन। चीनी कुछ साइंटिस्ट ने कहा, ये दावा किया है कि अलग अलग 4 एंटीबॉडी को मिलाने के बाद ये कोरोना को ख़त्म कर सकता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें।